हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं एक नई रेसिपी के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रायते के बारे में। रायता तो सभी खाते होंगे बना के अपने अपने घरों में, लेकिन आज हम कुछ सीखेंगे एक नए तरीके से। जी हाँ, चलिए हम बनाते हैं रायता। लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया था दोस्तों। कद्दूकस करने के बाद हमने कुकर में जो है 2 सीटी लगा दिया है। तब तक कि लौकी ठंडी होती है, तब तक के हम चलते हैं दही की ओर और देखते हैं दही में क्या क्या मिलाते हैं। तो ये रहा हमारा दही, देख सकते हो दोस्तों, और जो कि मैं इससे फेंट लेती हूँ। अगर मार्केट वाला है तो मार्केट, अगर घर वाला है तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन सभी के घरों में अवेलेबल नहीं होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि घर वाला ही हो। मैं तो मार्केट से ले आती हूँ पैकेट वाला, भाई अमूल का, और मैं वही यूज करती हूँ। चलिए तो मैं देखती हूँ कि इसमें क्या क्या मिलाना है दोस्तों। अगर मेरे तरीके से बनाएंगे ना, सच में बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब, इसका स्वाद इतना मस्त रहता है। आप अपने घर में बनाइएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। तो चलिए देखते हैं, लौकी मेरी ठंडी हो रही, तब तक कि हम दही में क्या क्या मिला रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैं श्री श्याम भोग का काला नमक ही मैं यूज़ करती हूँ। ये देख सकते हो आप, ये मैं मार्केट से ले आती हूँ, बहुत ही अच्छा रहता है, मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। देखिए, मैं और किसी चीज़ में इसको नहीं यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ रायता, ओनली बिस मैं रायता बनाती हूँ, मैं तभी इसको यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हो। और मैं, चलिए इसको मैं देखती हूँ इसको कितना क्वान्टिटी में डालना है, ये आप दही के अनुसार डाल सकते हो। देखिए मैं कितना ले रही हूँ, ये देखिए 2 चम्मच में डाल रही हूँ दोस्तों। अब इसको मिलाना है, देखिए। और अब हम मिला रहे हैं रायता, जो कि अशोक का है, अशोक मसाला है, बहुत ही अच्छा है। और देखिए मैं मिला रही हूँ रायता मसाला, देखिए। तो 2 ही चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ इसको भी, मुझे अगर कम लग रहा होगा तो मैं थोड़ा सा और यूज़ कर लूँ। ये देखिए दोस्तों, अब इसको मिलाना है, अच्छे से इसको मिला दीजिए। ये देखिए, इसको अच्छे से मिला दे दोस्तों। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने मिला दिया है। और सबसे ख़ास बात मैं बताऊँ इस रायते की, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ ही मिलाती हूँ, मैं और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं तीमझाम करती हूँ। मैं सिर्फ काला नमक और रायता मसाला यूज़ करती हूँ, बहुत ही टेस्टी, और सिर्फ लौकी का मैं रायता, मेरे यहाँ घर में लौकी का रायता ज़्यादा पसंद करते हैं मेरे हस्बैंड, तो मैं ज़्यादातर लौकी का रायता ही बनाती हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोगों को लौकी का पसंद है, और बूंदी का पसंद है, खीरे का पसंद है, तो रायता तो बहुत सारे वैरायटी का बनता है, लेकिन रायता जो है लौकी की तो बात ही अलग है भाई। ये देखिए दोस्तों, लौकी को हमने परात में एक निकाल लिया है, ये देखिए। और अभी इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, इसके बाद हम बताते हैं इसका प्रोसेस आगे का। ये देखिए मेरी लौकी ठंडी हो गई है, मैंने आपसे कहा था कि ये इसको रख दें ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद इसमें हम को मिलाना है। और अब देखते हैं, पहले इसको चला लें अच्छे से। ये देखिए दही को हमें अच्छे से चलाना है और मिलाना है इसमें जो रायता जो मसाला हमने डाला है, इसको अच्छे से इसमें मिक्स करना है। ये देखिए, और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, जब लौकी 1 सीटी मैंने लगाया था उसमें पानी बहुत सारा रहता है, तो मैंने उसको निचोड़ लिया। ये देखिए निचोड़ के, ये देखिए मैंने उसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल दिया है, और इसका मैंने छोटा छोटा गोला बना लिया, ये देखिए। और अब ये गोले छोटे छोटे जो हैं, ये हम इसको इसमें डाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये देख सकते हो आप, इस तरीके से हम डाल देंगे। और इतना टेस्टी, इतना लाजवाब बनता है दोस्तों, एक बार बना के देखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा रायता आपका बना हुआ है, कैसा उसका टेस्ट है। भाई मैं तो बनाती हूँ, बच्चे बूढ़े बड़े सब मांग के खाते हैं, बहुत ही टेस्टी रहता है।
मैं हमेशा बनाती हूँ। मैं आज बनाने जा रही थी, मैंने सोचा चलिए आपसे शेयर करते हैं हम। तो ये मैंने लौकी इसमें डाल दिया है, अब इसको हमको मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से। और एक बात का ध्यान रखना है आपको, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। मैंने जो मार्केट में छाछ मिलता है पैकेट वाला, मैंने वो मंगा लिया था, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। मैं रायते में कभी पानी मिक्स करके नहीं बनाती हूँ। ये देखिए, और साइड में मैंने बनाया है तहरी, जो कि तहरी और रायता मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है, जो कि दोस्तों मिक्स करके खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी यम्मी यम्मी लगता है। तो फाइनली रायता मेरा हो गया है कंप्लीट। अब इसको सर्व करने के लिए रख देते हैं, तब तक के लिए मैं ढक देती हूँ, तब तक के मेरी तहरी ठंडी हो जाए, और मिक्स करके खाते हैं सभी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।